नमस्ते दोस्तों, आज मैंने ट्राई किया सिर्फ एक चम्मच घी और बिना चीनी के, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बनाने में भी आसान और सिर्फ 3 सामग्री वाली ये चक्की। अगर हम बच्चों को ऐसे ही बादाम देंगे तो बच्चे बादाम खाने से तो मुंह फेर लेते हैं, तो बादाम को हमने यहाँ पर कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेना है। 2 कटोरी बादाम लिए हैं, इसे हम 4 से 5 मिनट तक सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसमें बहुत ही अच्छा एक नटी फ्लेवर हमें मिल जाए। बादाम सिक रहे तब तक आप एक मेरा छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, हम बादाम को इस तरह से तोड़ रहे हैं तो आराम से टूट रहे, इतना हमने इसे सेक लिया है। और यहाँ पर हमने जितनी बादाम ली थी उसका आधा मैंने मावा ले लिया है। घर पर हम कैसे आसानी से मिल्क पाउडर से मावा बना सकते हैं उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो एक बार वो भी ज़रूर से देख लीजिए। तो मावा को हम ऐसे ही डायरेक्ट कढ़ाई में ही सेक लेंगे, कोई घी हमने यहाँ पर नहीं लिया है। सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे सेकेंगे ना तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और अभी के सीज़न में ये थोड़ा सा ड्राई ही होता है। तो देखिए, हमने अच्छे से हमारे मावा को भी सेक लिया, तो वही कढ़ाई के अंदर हम जितनी बादाम ली है ना उससे थोड़ा सा ही कम उतना गुड़ लिया है। मान लीजिए मैंने 2 कटोरी बादाम लिए हैं तो 2 कटोरी से थोड़ा सा कम उतना मैंने गुड़ लिया है। और ख्याल रखें, हमने यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा ना सिर्फ एक चम्मच घी, तो मैंने सिर्फ एक छोटी चम्मच घी ले लिया है। और यहाँ पर घी और गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई भी पाक नहीं बनाना है, बस इस तरह से देखिए हमारा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है, और जो हमने मावा को पहले से ही सेक के रखा था ना, तो इसे हम गुड़ के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों के साथ आ गया हमारा ये जो पहले से ही हमने बादाम को सेक के रखा था ना, उसका हमने दरदरा पाउडर कर लिया है, और बादाम का दरदरा पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये तीनों की बहुत ही अच्छी हम दोस्ती करा देंगे, तभी तो ये खाने में स्वादिष्ट लगेगा। और बादाम के गुण तो हम सभी को पता है कि बहुत ही सारे गुण है इसमें, और साथ में हमने जो गुड़ लिया है ना भाई, इसका भी तो ठंडी में हमें बहुत ही ज़्यादा सेवन करना चाहिए। पर जो हमने यहाँ पर मावा लिया है ना, इसकी वजह से हम इसे बिना फ्रिज के अभी के माहौल में 4 से 5 दिन तक आराम से रख सकते हैं, और फ्रिज में मान लीजिए कुछ 7 से 8 दिन तक, क्योंकि भाई मावा जो लिया है वो तो डेयरी प्रोडक्ट है। पर हमें विंटर सीजन में या फिर नॉर्मली कभी भी ऐसा कुछ नया खाने का मन करे तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। यहाँ पर एक ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर बिछा दिया है और उसके ऊपर हम ये मिश्रण को पोर कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, देखा ना दोस्तों, ट्राई करना तो बनती है। और इसे हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर इसके मन चाहे पीसेस कट कर लेंगे, और बच्चों को भी हम देंगे ना तो बच्चे भी बड़े चाव से इसे खा लेंगे। और हाँ दोस्तों, बिना दांत वाले भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका कोई पाक नहीं बनाया है। तो मैं पारुल जल्दी से मिलूंगी और नई रेसिपी के साथ।